गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन सी एस सब्जेक्ट वाइज लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था प्रोजेक्ट ऑपरेशन उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करेंगे रीनेम रीनेम ऑपरेशन इसको डिनोट करते हैं रो से रो से राइट right? अब रीनेम ऑपरेशन हम क्यों यूज करते हैं पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली इट इज यूज टू गिव नेम टू द रिलेशन दैट कॉल्ड इंटरमीडिएट रिजल्ट इट मीन करो आपने क्या किया कोई एक रिलेशन आर था उस पर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म किए और जो आउटपुट आया उस क्वेरी का जो आउटपुट आया वो एक सबसेट आया इस आर रिलेशन का एक सबसेट आया राइट अब आपको जो ये सबसेट आया है सपोज करो कुछ सेट ऑफ टपल्स है इसमें राइट अब इस टेबल पे आपको कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं बट आपको नहीं पता कि इस रिलेशन का नाम क्या है इस रिलेशन में जो भी आउटपुट है दैट इज इंटरमीडिएट रिजल्ट है ओरिजिनल रिलेशन आर के राइट तो अगर आपको अब इस इंटरमीडिएट रिजल्ट पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो आपको इस टेबल का कोई ना कोई नाम देना होगा तो इसी टेबल के को रीनेम ऑपरेशन की हेल्प से हम कोई ना कोई एक्स्ट्रा नेम दे सकते हैं राइट सपोज करो अब इस टेबल का नेम मैं एस मार्क कर रहा हूं तो अब जो नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा मैं वो टेबल एस पे करूंगा राइट फर्स्ट थिंग सेकेंड जो इसका यूज है दैट इज यूज टू रीनेम यूज टू रीनेम द एक्ट्रीब्यूट इन द इंटरमीडिएट रिजल्ट रिलेशन राइट देखो बच्चे Suppose करो आपके पास एक स्टूडेंट रिलेशन है उस रिलेशन में जो schemas है या attribute है दैट इज एफ नेम लास्ट नेम एल नेम एंड मार्क्स आपने कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म किए और आउटपुट आया अब जो ये आउटपुट आया है ये जो टेबल का आउ, इस रिलेशन इस में से जो आउटपुट आया है वो एक टेबल की फॉर्म में होगा राइट right? और इस टेबल में जो एट्रीब्यूट है दैट इज एफ नेम एल नेम एंड मार्क्स पोज करो अब आपको इस टेबल के एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है दैट इज़ इस टेबल का नेम अब एस है क्योंकि इंटरमीडिएट रिजल्ट होल्ड कर रखा है इस टेबल ने तो सपोज करो आपने इस टेबल का नेम एस रख दिया तो अब अगर आपको इस एट्रीब्यूट के इस रिलेशन एस के एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है लाइक एफ नेम को आपको मेंशन करना है फर्स्ट नेम एल नेम को लास्ट नेम एंड मार्क्स को एज इट इज चाहे आप मार्क्स रख सकते हो राइट अगर आपको एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है रिलेशन एस के तो बच्चे आप रीनेम ऑपरेशन से इन एट्रीब्यूट्स का नेम भी चेंज कर सकते हो राइट इसको डिनोट करते हैं रो से जब भी आपको बच्चे एट्रीब्यूट का रीनेम करना होगा तो आपको स्पेसिफिकली मेंशन करना होगा कि वो नाम क्या रखना चाहते हो लिस्ट में मेंशन करना होगा नेक्स्ट बच्चे हम अब इसके नोटेशंस देखते हैं कि अगर आपको रिलेशन का नेम चेंज करना है एट्रीब्यूट का करना है या दोनों का एक साथ करना है तो आप कैसे इस रीनेम ऑपरेशन का यूज कर सकते हो अगर एक रिलेशन आर है गिवन रिलेशन आर है उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं दैट इज ए वन ए टू ए थ्री ए एन अगर इस रिलेशन के अगर आपको इस रिलेशन आर के एट्री रिलेशन नेम आर है एट्रीब्यूट ए वन से लेके एन तक है अगर आपको इस रिलेशन का नेम भी चेंज करना है एज वेल एज एट्रीब्यूट का नेम भी चेंज करना है तो आप इसे कैसे लिखोगे मैं यहाँ क्या ट्राई कर रहा हूं बच्चे री नेम आर एज एस एंड एट्रीब्यूट ए वन ए टू टू ए एन एस बी वन बी टू बी एन राइट तो आउट कैसे लिखना होगा बच्चे इसको री नेम मुझे आर से एस रिलेश रिलेशन आर का नेम एस करना है एट्रीब्यूट ए वन का बी वन करना है ए टू का बी टू करना है अप टू बी एन ऑन ओरिजिनल रिलेशन आर तो इसका जो आउटपुट आएगा बच्चे उस टेबल का नाम उस रिलेशन का नाम एस होगा और एट्रीब्यूट्स का नेम होगा दैट इज बी वन बी टू Bn बी एन राइट फर्स्ट पॉइंट यहां पे मैंने रिलेशन के नेम को भी चेंज किया है और उनके एट्रीब्यूट्स का भी नेम चेंज किया है अगर आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशन का नेम चेंज करना है सेकेंड पॉइंट गिवन रिलेशन आर एंड वी वॉन्ट टू रीनेम आर एज एस देन आउटपुट इज लाइक रीनेम आर एस तो इससे जो आउटपुट आएगा उस टेबल का नेम एस होगा बच्चे नेक्स्ट थर्ड है अगर आपको एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है अगर आपको एट्रीब्यूट का नेम चेंज करना है रिलेशन आर विद एट्रीब्यूट ए वन ए टू एन एंड वी वॉन्ट टू चेंज दी नेम ऑफ एट्रीब्यूट देन आउटपुट इज बी वन बी टू बी थ्री अप टू बी एन ऑन रिलेशन आर तो इससे सिर्फ जो नेम चेंज होगा वो एट्रीब्यूट का ही होगा ये याद रखना बच्चे राइट नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज है बच्चे कि आपको आपको रीनेम करते वक्त जिस भी ऑर्डर में आपको एट्रीब्यूट्स को मेंशन करना है उसी ऑर्डर में बच्चे ये एट्रीब्यूट के नेम चेंज होंगे राइट right? लाइक like. अगर बच्चे आपने ये नेम लिखा रिलेशन आर रिलेशन आर के एट्रीब्यूट थे ए वन ए टू ए थ्री अप टू ए एन राइट और अगर आपको क्या चाहिए इस रिलेशन आर के एट्रीब्यूट ए का बी वन हो जाए बी टू बी थ्री तो बच्चे याद रखना रीनेम जब भी कर रहे हो रीनेम जब भी कर रहे हो तो जितने एट्रीब्यूट आर में हैं उतने ही एट्रीब्यूट आपको रीनेम रिलेशन में रखने हैं इवन दो कि आपको हो सकता है सिर्फ कुछ एक एट्रीब्यूट का ही नेम चेंज करना हो स्टिल आपको बच्चे अगर नेक्स्ट वालों का नहीं करना तो एज इट इज ए एन मैंशन करना पड़ेगा आप ये नहीं कह सकते कि एक रिलेशन आर है उसमें ए वन ए टू से लेके एन तक एट्रीब्यूट है आपको सिर्फ ए वन और ए टू का रीनेम करना है राइट ए वन और ए टू का रीनेम करना है ये ध्यान रखना बच्चे आ है बच्चे समझ में इट मींस जिस जिस उसी ऑर्डर में लिखना होगा जिस ऑर्डर में आप रीनेम करना चाहते हो अगर ए वन का बी वन ए टू का बी टू तो ऑर्डर सेम रहना चाहिए ये ध्यान रखना बच्चे जिस ऑर्डर में आप रीनेम में लिखोगे उसी ऑर्डर में ही आपका एट्रीब्यूट का नेम चेंज होगा या रीनेम होगा तो ये सिंपल ऑपरेशन है बच्चे इसका बहुत ज्यादा यूज एक्चुअल में बहुत ज्यादा यूज है कब जब इंटरमीडिएट रिजल्ट को होल्ड करना हो राइट right? तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट सेट ऑपरेशंस की तरफ सेट ऑपरेशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे गेट पॉइंट ऑफ व्यू से यूजीसी गेट पॉइंट ऑफ व्यू से राइट right? डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन यहाँ आने वाले हैं तो अच्छे से नोट्स मेंटेन कर लेना सेट ऑपरेशन आपको पता है बच्चे जब भी रिलेशन एल्जेब्रा का जो आउटपुट आएगा बाय डिफॉल्ट डुप्लीकेट एलिमिनेट्स होंगे इट मीन्स जो भी आउटपुट आएगा वो एक सेट की फॉर्म में आएगा और अगर आपका आउटपुट और इवन हमें ये भी पता है कि एक रिलेशन क्या है सेट ऑफ रिकॉर्ड्स इट मीन्स यहाँ पे मैं सारे सेट के ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकता हूं तो जो मेन मेन हमारे ऑपरेशन हैं, सेट ऑपरेशन दैट इज यूनियन सेकेंड इज इंटरसेक्शन एंड थर्ड इज माइनस राइट इंटरसेक्शन यूनियन माइनस सभी क्या है बाइनरी ऑपरेशन हैं बच्चे बाइनरी ऑपरेशन रीनेम क्या था यूनरी ऑपरेशन फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट मान लो एक रिलेशन आर है सेकंड रिलेशन एस है इनका अगर मैं यूनियन करूंगा तो आउटपुट आएगा आर यूनियन एस राइट इस आउटपुट में क्या आएगा रिजल्ट्स, आ रिलेशन that include all tuples that are either in r or s or इन बोथ आर एंड एस बट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट टपल आर एलिमिनेटेड राइट मूव करते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ दैट इज इंटरसेक्शन अगर एक रिलेशन आर है सेकंड एस है तो इंटरसेक्शन आर इंटरसेक्शन एस राइट इसका जो आउटपुट आएगा दैट रिजल्ट अ रिलेशन दैट इंक्लूड ओल्ड टपल्स that are in both in both r and s r and s इसका जो आउटपुट आएगा वो वो टपल्स आएंगे जो दोनों आर में भी हैं और एस रिलेशन में भी हैं राइट थर्ड पॉइंट इज सेट डिफरेंस और माइनस डिफरेंस और माइनस अगर एक रिलेशन आर है दूसरा एस रिलेशन है और आप क्या परफॉर्म कर रहे हो आर माइनस एस कर रहे हो आर माइनस एस रिजल्ट अ रिलेशन दैट इंक्लूड्स ओल्ड टप्पल्स दैट आर इन आर बट नॉट इन एस मीन्स आर माइनस एस का मीनिंग है वो आउटपुट आएगा वो सारे टपल आएंगे आउटपुट में जो आर में है बट एस में नहीं है राइट right? सपोज करो एक रिलेशन आर है इसमें वन टू थ्री और फोर है एक रिलेशन एस है इसमें थ्री फोर फाइव है तो अगर मैं आर माइनस एस करूँ तो जो आर में है बट एस में नहीं है आर में वन है एस में वन नहीं है वन नेक्स्ट टू आर में है बट एस में नहीं है थ्री आर में भी है एस में भी है फोर आर में भी है एस में भी है तो आर माइनस एस इज वन एंड टू सेम केस अगर एस माइनस आर करूँ मैं एस माइनस आर तो रिजल्ट आर रिलेशन दैट इंक्लूड्स ओल्ड टपल्स ट आर इन एस बट नोट इन आर राइट तो आउटपुट क्या आएगा एस माइनस आर का जो एस में है आर्मी नहीं है एस थ्री में भी है थ्री एस में भी है आर्मी भी है फोर एस में है आर्मी है फाइव नहीं है तो आउटपुट क्या आएगा फाइव राइट right? अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट सेट ऑपरेस अप्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ओनली इफ ओनली इफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट बच्चे ओनली इफ बोथ रिलेशन आर यूनियन कंपेटेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ये इसका मीनिंग क्या हुआ सॉरी <coughs> अगर आपको अगर आपको सेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं अगर आपको सेट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं रिलेशन एल्जेब्रा में तो जो भी रिलेशन आप यूज कर रहे हो वो रिलेशंस आपस में यूनियन कंपेटेबल होने चाहिए सर यूनियन कंपेटेबल मींस व्हाट डेफिनेशन ऑफ यूनियन कंपेटेबल टू रिलेशन वन इज आर विद एट्रीब्यूट सेट ए वन ए टू टू एन And next relation S with attribute set B1 B2 B1 B2 to B M where M is equal to N. Right. M is equal to N up N hilicilo. B N are set to Union compatible. फ दे हैव द सेम डिग्री इफ दे हैव द सेम डिग्री मीन्स नंबर ऑफ एट्रीब्यूट दोनों रिलेशन में सेम होने चाहिए तभी आप यूनियन ऑपरेशन कर सकते हो यूनियन इंटरसेक्शन माइनस तभी कर सकते हो जब दोनों रिलेशन में नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो एंड एंड नेक्स्ट पॉइंट एफ एंड कंडीशन एट मीन मत दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए एंड डोमेन ऑफ ए आई इक्वल्स टू डोमेन ऑफ बी आई फॉर वन लेस देन इक्वल टू आई लेस देन इक्वल टू एन फॉर इट इट मीन्स वट इट मींस मान लो एक रिलेशन आर है इसके थोड़ा सा हम एक बार और नोट पॉइंट कर लेते हैं इट मीन्स दिस मीन फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको दिस मीन दैट दू रिलेशन हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट हैव सेम नंबर ऑफ एट्रीब्यूट एंड यहां से आपको समझ में आ जाएगा एंड ईच करस्पोंडिंग पेयर ऑफ एट्रीब्यूट हैज द सेम डोमेन राइट इट मीन्स बच्चे सपोज करो एक रिलेशन आर है उसमें एट्रीब्यूट है ए वन ए टू ए थ्री और ए फोर एक रिलेशन एस है उसमें एट्रीब्यूट है बी वन बी टू बी थ्री एंड बी फोर इट मीन्स इन दोनों इन दोनों रिलेशन में आप यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस कब परफॉर्म कर सकते हो जब जब ये दोनों रिलेशन आपस में यूनियन कंपेटेबल हो यूनियन कंपेटेबल मींस नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम हो सर नंबर ऑफ एट्रीब्यूट सेम है प्लस सेकेंड पॉइंट क्या है डोमेन भी सेम होना चाहिए करस्पॉन्डिंग एट्रीब्यूट का डोमेन भी सेम होना चाहिए सपोज ये जो ए वन एट्रीब्यूट है ये है एस आई डी आई डी तो इसका डोमेन है इंटीजर राइट इंटीजर तो एस रिलेशन का जो बी वन है एस रिलेशन का जो बी वन है उसका भी डोमेन इंटीजर होना चाहिए राइट इट मीन ए का ए वन का और बी वन का डोमेन सेम होना चाहिए सेकेंड थिंग करो ए टू जो एट्रीब्यूट है वो है नेम वो है नेम तो बी टू और इसका जो डोमेन है ए टू का दैट इज करेक्टर तो बच्चे बी टू का डोमेन भी करेक्टर ही होना चाहिए राइट इट मीनस करस्पोंडिंग एट्रीब्यूट्स का डोमेन सेम होना चाहिए तभी आप यूनियन कर सकते हो तभी इंटरसेक्शन और माइनस क्योंकि यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस करने के लिए आपको आपके दोनों रिलेशन यूनियन कम्पटेबल होने चाहिए बच्चे डाउट जो आता है बच्चों को कि सर यूनियन कंपेटेबल का मीन्स है जब यूनियन करना हो तो यूनियन कंपेटेबल होनी चाहिए नहीं कोई भी सेट ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो दोनों टेबल यूनियन कंपेटेबल होनी चाहिए आ रहा है बच्चे समझ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट प्लीज नोट डाउन कर लेना यूनियन एंड इंटरसेक्शन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ये डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस पे आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स यूनियन एंड इंटरसेक्शन आर कम्यूटेटिव इन नेचर कम्यूटेटिव भी है साथ के साथ मैं लिख देता हूं बच्चे एंड असोसिएटिव इन नेचर इट मीन्स वैट इट मीन्स आर यूनियन एस इज ऑलवेज इक्वल टू एस यूनियन आर एंड आर इंटरसेक्शन एस इज ऑलवेज इक्वल टू एस इंटरसेक्शन आर नेक्स्ट पॉइंट ये बच्चे आप बाई डिफॉल्ट करके देख सकते हो सिंपल है नेक्स्ट असोसिएटिव आर यूनियन एस यूनियन टी इज ऑलवेज इक्वल टू आर यूनियन एस यूनियन टी एंड R intersection S intersection T is always equal to R intersection S intersection T. Right? But bach of minus a important point. So minus a that is not commutative. Is not commutative. It means R minus S. नोट ऑलवेज इक्वल टू एस माइनस आर क्यों क्योंकि बच्चे आर माइनस एस में कौन से टपल होंगे जो आर में है बट नोट इन एस एस माइनस आर में जो एस में है बट नोट इन आर तो मे और मे नोट भी इक्वल हो भी सकता है नहीं भी हो सकता बट नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे ध्यान रखना आर इंटरसेक्शन एस को ये एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं बच्चे आर इंटरसेक्शन एस को मैं क्या लिख सकता हूँ आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर ये एक बार हम वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं सपोज करो बच्चे ये मेरा एक रिलेशन आर है राइट right? और अगेन ये एक मेरा रिलेशन बच्चे एस है ठीक है ध्यान से समझना बच्चे इसको ये मेरा रिलेशन R है, ये मेरा रिलेशन रिलेशन है 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 ठीक तो इंटरसेक्शन एस आर इंटरसेक्शन एस कौन सा पार्ट होगा बच्चे ये वाला पार्ट राइट ये वाला पार्ट क्या होगा बच्चे आर इंटरसेक्शन एस राइट ये क्या कह रहे हैं ये आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर के भी इक्वल होंगे ये चेक करते हैं बच्चे एक बार फिर से हम सपोज करो ये आर है सपोज करो ये एस है बच्चे मेरा राइट right? ये आर है ये एस है आपका तो आर यूनियन एस आर यूनियन एस कौन कौन सा आने वाला है सब कुछ बच्चे आर यूनियन एस ये पूरा एरिया आने वाला है आपका राइट इट मींस जो ये लाइन है ये क्या डिनोट कर रही है आर यूनियन एस को अब मुझे कौन सा चाहिए आर माइनस एस जो आर में है बट एस में नहीं है आर माइनस एस मीन जो आर में है एस में नहीं है वो कौन सा पार्ट होगा बच्चे वो ये वाला पार्ट होगा बच्चे सिर्फ जो आर में है बट एस में नहीं है राइट इट मींस ये वाला पार्ट क्या है आर माइनस एस अब हम चेक कर रहे हैं S माइनस आर अगर मैं S माइनस आर की बात करूं जो S में है बट R में नहीं है इट मीन्स ये वाला पार्ट बच्चे ये अंदर वाला नहीं होगा राइट इट मीन्स जो ये जिगजेक मोशन में है, ये कौन सा है S माइनस आर राइट अब नोटिस करना बच्चे मुझे क्या माइनस करना है आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर इट ट अगर मैं इन दोनों को देखूं बच्चे इन दोनों को देखूं तो ये क्या कह रहे आर माइनस एस कौन सा था ये ग्रीन पार्ट एस माइनस आर ब्लू वाला पार्ट तो R माइनस एस माइनस एस माइनस आर इट मीन R माइनस एस को मैं लिख देता हूं बच्चे K इसको L K माइनस एल चाहिए ठीक है K माइनस एल कौन सा आएगा R माइनस एस माइनस जो R माइनस एस में है बट एस माइनस आर में नहीं है राइट right? तो ये ग्रीन वाला पार्ट ही आएगा ये चीज समझ में आ रहा है बच्चे ये ग्रीन वाला पार्ट ही आएगा आर माइनस एस ग्रीन वाला पार्ट है बच्चे नेक्स्ट एस माइनस आर ब्लू वाला पार्ट है बच्चे राइट right? मुझे क्या फाइंड आउट करना है के माइनस एल मींस जो के में है बट एल में नहीं है तो के में कौन सा पार्ट आ जाएगा अगेन यही राइट right? इसको मैं अलग ब्लैक से कर देता हूं बच्चे राइट right? आर माइनस एस जो आर माइनस जो आर में है बट एस में नहीं है ये चीज समझ में आ गया अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है आर यूनियन एस आर यूनियन एस तो कंप्लीट था इसमें से अगर आपने ये माइनस कर दिया हम थोड़ा सा मिस्टेक कर रहे हैं बच्चे इट मींस आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर एक बार फिर से चेक करते हैं बच्चे इसे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे ये बच्चे मेरा आर है ये एस है यूनियन करूंगा तो पूरा आ जाएगा राइट नेक्स्ट रूल क्या है बच्चे आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू आर यूनियन एस आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस माइनस एस माइनस आर फिर से चेक करते हैं बच्चे आर माइनस एस जो आर में है बट एस में नहीं है तो बच्चे आपका ये वाला पार्ट आएगा तो ये क्या आ गया बच्चे आर माइनस एस एस माइनस आर ये वाला पार्ट आ गया बच्चे आपका ठीक है अब अब क्या आएगा बच्चे आर यूनियन एस पूरा है उसमें से माइनस किया आपने आर माइनस एस तो कौन सा पार्ट आ गया आर यूनियन एस में से आर माइनस एस किया आपने राइट तो कौन सा पार्ट आ जाएगा बच्चे ये बोल ये पूरा पार्ट आ जाएगा राइट right? ये ग्रीन वाला पार्ट क्या मेंशन कर रहा है आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस राइट इसमें से क्या माइनस करना है एस माइनस आर इसमें से क्या माइनस करना है एस माइनस आर एस माइनस आर कौन सा था ये बच्चे ये अभी कितना पार्ट आ चुका है देखो ये जो पूरा पार्ट आया है बच्चे ये आपका क्या आ चुका है आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस राइट इसमें से आपको क्या माइनस करना है एस माइनस आर एस माइनस आर कौन सा था एस माइनस आर तो ये है ना जो एस में है बट आर में नहीं है राइट right? जो ये रेड रेड लाइन्स है बच्चे ये किसको डिनोट कर रहा है एस माइनस आर को राइट right? तो आर यूनियन एस आर यूनियन एस माइनस आर माइनस एस में से अगर आपको माइनस किया एस माइनस आर तो क्या रिमेनिंग रहा बच्चे यही तो रहा और यही मेरा इंटरसेक्शन होता है राइट right? तो ये ध्यान रखो बच्चे ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे हम यहां पे तो इट मीन्स बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना आर इंटरसेक्शन एस को आप क्या लिख सकते हो यूनियन फिर वो वाला देखो यूनियन फिर वो वाला पार्ट माइनस कर दो जो आर माइनस एस है फिर वो वाला माइनस कर दो एस माइनस आर है तो ओवरऑल यूनियन में से देखो आप क्या माइनस कर रहे हो फिर से थोड़ा सा और देखो यूनियन सब कुछ है बच्चे उसमें से ये जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये क्या है आर माइनस एस जो ये वाला पार्ट है ये है एस माइनस आर अगर ये दोनों माइनस कर दिए ये दोनों पार्ट माइनस कर दिए तो रिमेनिंग तो बच्चे यही रहेगा ना तो ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ध्यान रखना बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक और फॉर्मूला है बच्चे दैट इज आर इंटरसेक्शन एस इज इक्वल टू आर माइनस आर माइनस एस अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बच्चे कैसे बच्चे ये मेरा आर है अगेन आर माइनस एस देखो आर में से अगर आर माइनस एस निकाल दो ठीक है ये मेरा रिलेशन आर है ये मेरा रिलेशन एस है तो आर माइनस एस क्या होगा जो आर में है एस में नहीं है वो पार्ट कौन सा है बच्चे ये वाला ये वाला पार्ट क्या है मेरा आर माइनस एस और आर पूरा क्या है बच्चे ये रेड ये रेड क्या है आर तो अगर आर में से ये ग्रीन वाला पार्ट निकाल दिया था, फाइनल तो फाइनल आउटपुट तो यही आया ना आपका दैट इज आर इंटरसेक्शन एस ऐसे एस की फॉर्म में भी लिख सकते हो एस माइनस एस माइनस आर इसको क्या लिख सकते हो बच्चे एस माइनस एस माइनस आर भी आप लिख सकते हो राइट right? नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ अगेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की तरफ बच्चे सपोज करो सपोज करो एक रिलेशन आर है उसमें एम टपल्स हैं एक रिलेशन एस है उसमें एन टपल्स हैं राइट तो मैं कुछ सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं और हमें ये फाइंड आउट करना है कि मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे मैक्सिमम कितने आएंगे तो ध्यान से देखना बच्चे ये क्वेश्चन है ऑलरेडी आ चुका है यूजीसी में KV, KV में यहां पे आने के काफी चांसेस है बच्चे दैट मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने होंगे और मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने हो सकते हैं राइट चेक करते हैं बच्चे पोज करो आपने ऑपरेशन परफॉर्म किया है आर यूनियन एस फिर आर इंटरसेक्शन एस और फिर आर माइनस एस और फिर एस माइनस आर राइट तो आर यूनियन एस में मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे जब दोनों का यूनियन करोगे आर यूनियन एस में मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आ सकते हैं देखो बच्चे हम एग्जांपल से समझते हैं इनको सबको कम से कम टपल कितने आएंगे एक रिलेशन आर है एक रिलेशन एस से बचे आपने लिखा वन टू थ्री फोर एस में बचे आपने स्पोज करो ये लिख दिया वन टू थ्री फोर फाइव तो आर यूनियन एस करोगे आर यूनियन एस करोगे तो डुप्लीकेट एलिमिनेट हो जाएंगे तो आउटपुट क्या आएगा वन टू थ्री फोर फाइव इट मींस मैं ये कह सकता हूं कि दैट इज मैक्सिमम ऑफ एम कोमा एन मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे कम से कम इतने तो आएंगे ही आएंगे और ये क्या लिख सकता हूं मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स को मैक्सिमम ऑफ आर कोमा एस और मान लो ये नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं एम ये नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं एन तो मिनिमम मैक्सिमम ऑफ एम कोमा एन राइट तो बच्चे कम से कम टपल कितने आएंगे आर यूनियन एस में सर मैक्सिमम ऑफ एम कोमा एन मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स के लिए एक आर है एक एस है वन टू थ्री फोर सबको अलग अलग ले लो फाइव सिक्स सेवन एट तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टपल्स कितने आएंगे एम प्लस एन राइट एम प्लस एन दैट इज एम प्लस एन ये ध्यान रखो मिनिमम के केस में हमने कुछ कॉमन लिया है

मैं लिख सकता हूं मिनिमम ऑफ एम कोमाइन जा मैक्सिमम कितने कॉमन आ सकते हैं टपल्स दोनों का मिनिमम नंबर ऑफ टपल्स राइट दैट इज मिनिमम ऑफ एम कोमाइन राइट इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट बच्चे आर माइनस एस आर माइनस एस मीन्स ऐसे कितने टपल, कम से कम कितने टपल हो सकते हैं जो आर में हो बट एस में ना हो जीरो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं एम जो आर में हो बट एस में ना हो एम कैसे आएगा बच्चे स्पोज करो एक रिलेशन आर है दूसरा एस है वन टू थ्री ये टोटल नंबर ऑफ टपल्स कितने हैं एम यहाँ एन है फोर फाइव सिक्स जो आर में है बट एस में नहीं है तो वन टू थ्री तीनों ही आ जाएंगे राइट इट मीनस अगेन एस माइनस आर में मिनिमम जीरो और मैक्सिमम एन तो ये ध्यान रखना बच्चे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हमारे रिलेटेड टू सेट ऑपरेशंस राइट तो बच्चे नोट्स अच्छे से मेंटेन कर लेना नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कार्टिजन प्रोडक्ट एंड ज्वाइन ऑपरेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज्वाइन ऑपरेशन बच्चे बेसिकली थ्री टाइप्स के ज्वाइन है थीटा ज्वाइन कंडीशनल ज्वाइन एंड नेचुरल ज्वाइन राइट और इक्व ज्वाइन तो हम इनको डिस्कस करने वाले हैं नोट्स अच्छे से मेंटेन करो इस बार बच्चे क्योंकि अगेन हमारा पैटर्न चेंज हुआ है गेट का कोई भी डाउट हो हमें कमेंट सेक्शन में आप मैसेज कर सकते हैं या सब्जेक्ट वाइज ट्वेंटी ट्वेंटी एट दी रेट जी मेल डॉट कॉम पर मैसेज कर सकते हैं मेल कर सकते हैं और अगर आपको अगर आपको कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक रीड करने हैं तो आप प्लीज़ मेंशन कर दें कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है वो भी मेंशन कर दें राइट right? और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें बच्चे थैंक यू थैंक यू सो मच